गुम है किसी के प्यार में शो से घर घर में फेमस हुई आयशा सिंह आ गई हैं कंट्रोवर्सी में। आखिर क्यों आयशा सिंह को किया जा रहा है ट्रोल? आयशा सिंह की ट्रोलिंग पर आए नील भट्ट और दिया अपने दोस्ती का प्रमाण। तो फिर इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। आपको पता ही होगा कि गुम है किसी के प्यार में शो से आयशा सिंह ने घर घर में लोग के दिलों में जगह बनाई है, लेकिन अब वही आयशा सिंह को कुछ फैंस ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल आपको बता दें आयशा सिंह ने बीते दिन तमन्ना के मूवी सॉन्ग पर एक छोटी सी ड्रेस पहनकर डांस किया था, एक रील बनाया था, जिसके बाद से इस ड्रेसिंग सेंस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट पर लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते नजर आ रहे हैं। यहां पर हैं वो कमेंट जो आप देख सकते हो। एक यूजर ने लिखा, आपके ड्रेसिंग सेंस में कोई सेंस नहीं है। अगले एक और यूजर ने लिखा, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर करने से फेम तो मिल गया लेकिन इसमें ना ही कोई क्लास है, फैशन सेंस और बॉडी पे भी कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करके अजीब सा फिगर बना लिया है। आई लाइक्ड शिवांगी जब उसका इंट्रो हुआ, उसके बाद काफी चेंज हुई एंड वो शी इज द प्रीटीएस्ट बट दिस आयशा लुक फिगर मेकअप इज रियली। अगले और यूजर ने लिखा, ड्रेस बकवास, डांस महाबकवास, फेस एक्सप्रेशन। दूसरे एक और यूजर ने लिखा, एकदम बकवास ड्रेस है, सब उर्फी बनने के चक्कर में है, ड्रेस का मतलब कुछ भी कर लो। यहाँ पर अब आयशा सिंह की ट्रोलिंग पर पहली बार नील भट्ट सामने आए हैं और नील भट्ट ने कहा कि इस तरीके की ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए। किसी भी एक्टर को अपने राइट से किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी ट्रोलिंग करने लग जाओ। जब आप किसी को ट्रोल करते हो तो उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है ये शायद वो यूजर्स नहीं समझ सकते हैं। आयशा को ट्रोल भी क्यों किया जा रहा है इसकी कोई भी बड़ी वजह नहीं है। जो भी ड्रेसिंग सेंस था वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलत था। और नील भट्ट ने यह कहा कि भले ही हम दोनों उतने अच्छे दोस्त ना हो लेकिन जब किसी भी अपने के साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको बुरा जरूर लगता है। मुझे लगता है कि इन ट्रोलर्स को इस तरीके की ट्रोलिंग करना बंद करना चाहिए। कभी आयशा पे, कभी ऐश्वर्या पे और कभी मुझ पर ट्रोल किया करते हैं। नेम और फेम दोनों होने का एक बड़ा नुकसान है और मुझे लगता है कि वो नुकसान होता है सोशल मीडिया पर। जब आप किसी को जान नहीं सकते हो, जब आप किसी को पहचान नहीं सकते हो और लोग आपको ट्रोल करने के पीछे पड़ जाते हैं, मुझे लगता है कि ये ट्रोलिंग आयशा सिंह की जो हो रही है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नील भट्ट ने दो टूक जवाब दिया है उन ट्रोलर्स को जो भी आयशा सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका क्या है ओपिनियन आयशा की इस कॉन्ट्रोवर्सी पर, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।